रातों रात नहीं आती लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत लगती है हर इंसान को स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए फैमिली का अगर आकाश के साथ ऑलरेडी बहुत पुराना है उनके सिस्टर ऑलरेडी आकाश का हिस्सा रह चुकी है एंड नाउ इट्स गोइंग टू राइट हिस्ट्री फॉर ऑल ऑफ सो लेट मी चैंपियन एट आकाश तो so, शुरू से अगर आपकी जर्नी को देखें तो आप मुझे बताओ कि आपने कैसे डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग इज गोइंग तो टू बी योर ड्रीम एंड योर गोल uh, मतलब साइंस में तो पहले से इंटरेस्ट था लेकिन बायो की तरफ नहीं था मतलब उसमें याद रखने का काफी सारा पार्ट है जो कि मतलब जल्दी याद नहीं होता इसलिए और मैथ्स अच्छा भी लगता था इसलिए इंजीनियरिंग चूज़ कर ली ओके okay. सो so, क्योंकि आपकी फैमिली में ऑलरेडी यू नो आकाश का एसोसिएशन पहले से ही था तो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपकी सिस्टर ने आपको आकाश से इंट्रोड्यूस कराया हाँ मेरी सिस्टर ने मुझे गाइड किया था कि आकाश बहुत अच्छा है तो उसी में लेना चाहिए ओके एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था मतलब नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक मतलब हर फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड करी

ए, सिली मिस्टेक्स हो जाती थी ज़्यादातर या फिर लेकिन ऐसा नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा ठीक है इस बार हो गई है अगली बार नहीं करेंगे इम्प्रूवमेंट होगी तो बेटर कैसे किया खुद को क्योंकि आई कैन सी कि आपका डेडिकेशन पूरा था आपकी मेहनत पूरी थी uh, जितने भी स्टूडेंट्स अगर हमें यू नो आपसे सीखना चाहेंगे एट दिस मोमेंट तो उनको क्या सलाह दोगे कि जब भी लो फेज आए तो इस तरीके से स्ट्रगल ना करते हुए अपनी प्रेपरेशन करो हमें हमारी मिस्टेक्स को देखना पड़ता है हर टेस्ट जो होता है उसको एनालाइज करो कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं ट्राई करो कि हम वो मिस्टेक वापस रिपीट ना करें या फिर मतलब मैं और हमारे दोस्तों ने तो ऐसे नोट बनाया था कि सब्जेक्ट वाइज कि इस सब्जेक्ट में हम ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ऐसे पूरी डायरी भर जाएगी कि दो सालों में हमने इतनी सारी मिस्टेक्स की है और टेस्ट भी इतने होते हैं तो मिस्टेक्स भी मतलब तो हम वेराइटी ऑफ मिस्टेक्स करते हैं एक ही टॉपिक में अलग अलग मिस्टेक कर सकते हैं यूजली यू नो सबसे इंपॉर्टेंट

एंड नए टॉपिक्स पढ़ना तो ईजी होता है लेकिन उनको ट्रैक पे रखना रिवाइज करना काफी हार्ड होता है तो मैं पूछना चाहती हूँ वो भी लास्ट तक रहे और हमें लास्ट में कोई परेशानी ना हो आकाश का सिस्टम इतना अच्छा है मतलब वो कंसिस्टेंटली हर टेस्ट में पीछे का भी पूछता है मतलब अगर हम हर टेस्ट के साथ उस टॉपिक का रिविजन करते रहे

प्रैक्टिस करो मैथ्स में तो प्रैक्टिस है जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी मतलब हो जाएंगे बस थोड़ा टाइम दो उस पर वो सॉल्व हो जाएगा सो hmm. so, मुझे लगता है कि चैलेंजेस अकेले एक स्टूडेंट नहीं फेस करता बल्कि उसमें पेरेंट्स इक्वली इन्वॉल्व होते हैं उनका स्ट्रेस लेवल भी बड़ा होता है बच्चा कैसा परफॉर्म करेगा उसने ठीक से खाया या नहीं रात को नींद उसे अच्छी आ रही है या नहीं सो so, तनिष की इस जर्नी में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी वो थी उनकी मदर सो विदाउट फर्दर डू लेट्स वेलकम तनिष मदर हियर वेलकम मैम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेश तनिष्क ने वो अचीव किया है जो आई एम श्योर आपका और आपके हस्बैंड का ड्रीम था जे एडवांस चैंपियन है वो एट आकाश सो यू नो एज अ मदर बहुत सारे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अपने बच्चे को लेके तो आपको कैसे लग रहा है कि वो ड्रीम्स अचीव हो चुके हैं एंड हाउ डिड यू मैनेज इतनी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज तो जैसे हर मदर करती है बच्चों के लिए हमने भी वही किया है कि टाइम पे बच्चों को उठाना आ, क्लास में उनको बराबर बच्चे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो ऑब्जर्व करना कि आज कितनी कौन सी एफ हुई है तो कितने मार्क्स आए हैं अप डाउन क्यों हो रहा है क्यों नहीं कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं वो वो सब हमने ध्यान दिया है फिर बच्चों का खाना पीना वही कि एक मदर जो रेगुलर करती है उसी में उसका ध्यान दिया है पूरा और सपोर्ट किया है कि कभी कम आए तो नहीं अगले नेक्स्ट में ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा अचीव करो मैम uh, कभी आपने ऐसा कुछ फेस किया जहाँ पे आपने देखा होगी तनिश थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो रहा है लाइफ में स्कोर अच्छा नहीं कर रहा है एंड हाउ डू यू थिंक कि आकाश हेल्प यू नो ग्रूमिंग से लेके राइट गाइडेंस से लेके क्या रोल रहा आकाश का uh, तनिश के तो जो इम्प्रूव uh, uh, है वो तो मैं सब uh, आकाश को ही बोलोगी कि आकाश से ही उसने सारा इम्प्रूव किया है ओलम्पियाड्स हो गई के वी हो गई ये सब आकाश के थ्रू ही उससे हुआ है जो आकाश से उसे गाइडेंस मिला है टीचर कोचिंग मिली है द बेस्ट बिल्कुल यानी पेरेंट्स सेटिस्फाई तो जब पेरेंट्स सेटिस्फाई होता है hmm. तो बच्चा भी पूरा सेटिस्फाई होता है सो थैंक यू सो मच मैम तनिष्क फॉर कमिंग हियर एंड एक्सप्लेनिंग कि क्या क्या प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ सकते हैं बट स्टिल उसके बाद भी एक चैंपियन बन के उभरा जा सकता है थैंक यू सो मच